इंडिया के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह, छोटा चेतन अपना जय शाह उसके जो पापा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रिलेटेड टू, उनसे चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक सवाल किया गया कि टीम इंडिया जाएगी पाकिस्तान, क्या हिसाब किताब है। तो वो तो हैं चूंकि पॉलिटिशियन, तो मेरा ख्याल है कि उनसे तो जवाब एक्सपेक्टेड ही था। उन्होंने कहा नहीं, हम अभी कोई किसी किस्म की बात नहीं करना चाहते पाकिस्तान से जब तक उनके मामलात नहीं सही होते। और मामलात कौन से हैं वो आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है भैया, ना वो मामलात ठीक होने वाले और ना पाकिस्तान इंडिया से जहेज़ जाने वाला, बात ख़त्म है। पाकिस्तान इंडिया में जहेज़ जो है ना, जैसे वैसे ही ये वाले मामलात हैं पाकिस्तान इंडिया वाले। जहेज़ का क्या होता है? लड़के वाले कहते हैं हमें नहीं लेना, ठीक है। लड़की वाले कह रहे होते हैं कि नहीं, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, अब हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, फलाना टिमकाना। अब लड़के वाले जितना मर्जी इनकार कर दें, लड़की वाले ज़बरदस्ती दे देती हैं। कहीं पर लड़के वाले मुंह से मांग लेते हैं, कहीं पर लड़की वालों के मामला तो उस हिसाब से बन नहीं पा रहे होते। तो समझ रहे हो ना आप, जिस तरह वहाँ पर गड़बड़ घोटाला है ना, समझ नहीं आती कि यार किस तरीके से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। सेम वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है कि भैया इधर भी कोई पता नहीं है अब किस तरीके से ये सॉर्ट आउट करेंगे। हमारा तो पैगाम अमन मोहब्बत, बस प्यार सुकून, कोई बात मतलब किसी ने अगर इन कामों में हाथ डालकर इनको सीधा करने की कोशिश करनी है तो इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, बी माई गेस्ट, करो जनाब। जहाँ तक बात रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो अगर पापा जी कह रहे हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो बेटे के बारे में तो कुछ मीडिया आउटलेट्स ये इतला देते हुए नज़र आते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से टीम पहुँच जाए। क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें तो ये जैसे कहते हैं ना डिस्कशन हो रही है, और कुछ एक दो शोज़ भी मैंने देखे चलते फिरते उनको उधर, यह है कि जय शाह साहब इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडियन टीम जाकर जीत जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, तो इसलिए वो इस चक्कर में हैं कि भेजा जाए। अब बीसीसीआई वाले एक जगह पर फंसे हुए हैं और वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें इजाज़त चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि छोटा चेतन जो है ना, ही कुड प्ले अ वेरी क्रूशल रोल, वेरी क्रूशल। वो बेटा है, बेटा पापा को राज़ी करे, पापा आगे गेम डाल देंगे, सिंपल इज़ दैट। क्योंकि पापा जो है छोटा मोटा नाम तो है कोई नहीं, ये तो हमें भी पता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इन डेप्थ फॉलो ना भी किया हो ना, तो वो बंदे का एक जो प्रेस्टीज होती है या एक जो उसका हिसाब किताब होता है ना, वो पता लग ही जाता है कि हाँ ठीक है, ये तर है, ये जिसे कहते हैं ना सरा हुआ है। तो अमित शाह जो हैं वो है उनका हिसाब किताब। तो बेटे ने अगर पापा को मना लिया तो पापा आगे पूरी गवर्नमेंट को मनाने में पापा को ज़्यादा दिक्कत नहीं पेश आएगी, ये मुझे पता है। तो मे भी जय शाह कुछ ना कुछ अंदर खाते गेम डालें, एक अंदाजे लगा रहा हूँ, क्योंकि जो जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मैं आपको उनकी बेस के ऊपर एक चीज़ बता रहा हूँ कि वो टारगेट भी कर रहे हैं। ये तो जय शाह के अपने वर्ड्स हैं ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट करेंगे, वो चैंपियंस ट्रॉफी को भी टारगेट करके बैठे हुए हैं, वो WTC के फाइनल को भी टारगेट करके बैठे हुए हैं। तो अब जय शाह BCCI के सेक्रेटरी हैं लेकिन ICC के चेयरमैन भी बन चुके हैं। ये एक जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको ना जहन में रखनी चाहिए कि अब वो ICC के हेड भी हैं, और ICC के हेड होने के नाते उन्हें ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें समहाउ दी अदर अच्छे तरीके से मैनेज करना है। जाना ना जाना, आना ना आना वो एक और चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को अच्छे तरीके से उनको मैनेज करना है जय शाह को। तो अब लेट्स सी कि जय शाह इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, एंड आई एम प्रिटी मच होपफुल कि वो अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लेगा, क्योंकि और भी बड़ी ड्यूटीज़ है ना अभी तो जय शाह के सर के ऊपर। एसोसिएट नेशंस का देखना है, ये जो पॉलिटिकल इश्यूज, ऑस्ट्रेलिया का ना जाना या ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के अगेंस्ट ना खेलना, वो सारे मसाइल, फिर ये टेस्ट क्रिकेट के ऊपर जो बादल मंडला रहे हैं T20 की वजह से, वो सारे चक्कर, फिर ये जो क्रिकेट बोर्ड्स कह रहे हैं छोटे, मिसाल के तौर पर वेस्ट इंडीज़ वाले, कि हमें शेयर बहुत कम मिलता है, उस शेयर की वजह से हम अपनी क्रिकेट के ऊपर पैसा नहीं लगा पाते, ये सारा कुछ जय शाह को मैनेज करना है एक नए ICC के हेड के तौर के ऊपर। तो जय शाह के सर के ऊपर ठीक ठाक किस्म की भारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। ये ऑब्वियसली उनका टेन्योर स्टार्ट, तो बस फिर ये सारा कुछ भी करना पड़ेगा, और उन इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में ये चैंपियंस ट्रॉफी भी खड़ी है।
अभी तक इस बारे में कोई बात हुई नहीं है। वो हर कोई कह रहा है, वो BCCI वाले भी कह रहे हैं, वो बाकी सारे भी कह रहे हैं कि जो जिसे कहते हैं ना एक ठीक ठाक किस्म का सिर जोड़ बैठक, वो कोई नहीं हुई। अब सिर जोड़ बैठक कब होगी, उससे क्या रिजल्ट निकलता है, वो काफ़ी हद तक देखना पड़ेगा। वो मेरे हिसाब में वो चीज़ त्या मतलब डायरेक्शन हमें फॉरवर्ड कर देगी कि भैया इंडियन टीम आ रही है या नहीं आ रही। स्टेटमेंट्स की जहाँ तक बात है, वो स्टेटमेंट्स अगर मैं देखूँ तो वो तो आपको 50-50 खड़ा कर रहे हैं। वो जिसे एक वर्ड होता है ना अनसर्टेन, वो उसके ऊपर ही खड़े हैं। जयशाह का स्टेटमेंट कि हम टारगेट करेंगे, रोहित शर्मा का स्टेटमेंट कि मुझे तो जहाँ कहेंगे मैं जाकर खेल लूँगा, और कुलदीप का भी सेम यही स्टेटमेंट, वो खेलना भी चाहता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान में आकर भी खेलना चाहता है, रोहित पाकिस्तान में आकर खेलना चाहता है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, तो अभी तक तो अनसर्टेन है। लेकिन वो जिसे कहते हैं होप्स पॉजिटिव रखनी चाहिए, मेरी होप्स पॉजिटिव हैं कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएगी पाकिस्तान और अच्छी क्रिकेट खेलेगी। मैं तो इसी किस्म का आदमी हूँ, मैं यार नेगेटिविटी की साइड पर नहीं जाता। अब वो नहीं आते तो ठीक है, क्या करूँ, सर डंडा लेके सर तो नहीं ना खोलने सर आओ, उनके उनकी भी मजबूरियाँ, ठीक है यार उनकी गवर्नमेंट नहीं मानी, अल्लाह खैर सलाह। इसमें अब मैं कहूँगे नहीं दिस है दैट है फलाना टिमकाना है, वो एक अलहदा चीज़ है। अब उसी के वाइस वर्सा अगर पाकिस्तान की टीम अपनी गवर्नमेंट की किसी पोजीशन को लेकर इंडिया में होने वाले किसी इवेंट का इनकार कर देती है तो सो बी इट, ये फिर मसाइल तो आपको फेस करने पड़ते हैं, जाहिर बात है। तभी तो मैं कहता हूँ कि खेल के अंदर ना सियासत को घुसाना जहर है, जहर जो आप गेम को भी दे रहे हैं और गेम से मोहब्बत करने वाले फैंस को भी। पर इतना सोचता कौन है ना। चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।